सबसे पहले तो मैं 9 मई के ड्रामे का भरपूर मुजम्मत करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे 2-3 ड्रामे पाकिस्तान में और रिलीज हो गए तो पाकिस्तान जिंदाबाद के बजाय पाकिस्तान से जिंदा भागना पड़ेगा। कमरा अदालत से जिस तरह इमरान खान को अगवा किया गया था, उसका मुजम्मत तो किसी ने नहीं किया। इस मुल्क में कहा है रूल ऑफ लॉ, या अदालत की कोई हैसियत नहीं, या तौहीन अदालत कोई जुर्म नहीं। 9 मई का प्लानिंग किस तरह हुआ, किसने तैयार किया, क्या इसके इन्वेस्टिगेशन लाजमी नहीं है? कहा थे हमारे सिक्योरिटी इदारे 9 मई को, GHQ 9 मई को क्यों हाली था? ये सब ड्रामा नहीं था तो क्या था? लेकिन मुझे पहाड़ है, मेरा लीडर डट के खड़ा है। ये सब ताकतें मिलकर मेरे लीडर को झुकाना चाहते हैं। ओ भाई, वो एक पठान माँ की गोद से जना है, वो मर जाएगा लेकिन जालिम के सामने नहीं झुकेगा। अब जिस तरह पीपल पार्टी का रास्ता साफ किया जा रहा है, याद रखना हम पाकिस्तानी किसी कुसरे को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। तुम जो भी ड्रामा बनाओगे, पाकिस्तानी अवाम उसे फ्लॉप करेगी इंशाल्लाह। मेरा पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, गैरत के नाम पर बना था, और इस मुल्क पर गैरतमंद लीडर हुकमरानी करेगा। ये फैसला पाकिस्तानी अवाम कर बैठी है, और इंशाल्लाह ये एक अजीम मुल्क बनेगा, और ये हम करके दिखाएंगे। इस खाली हजाने से लंगर हानी भी चलेगी, सेहत कार्ड भी चलेगा, और ये मुल्क भी चलेगा, क्योंकि फिर शलवार कमीज और तस्बू वाला वापस आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज, मोहब्बत, रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत।